हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आटा चक्की रिपेयर करने वाले हैं। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। धन्यवाद। इसमें किस तरीके से फॉल्ट आते हैं, क्या समस्या आती है, क्या एरर आते हैं, ये पहले समझते हैं। सुने धन्यवाद। चक्की ओवरलोड हो गई है। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आटा चक्की में किस तरीके के एरर एवं फॉल्ट आते हैं, किस वजह से आते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। टोटली रिपेयर किया है, पूरी रिस्टोर की है। यह चक्की गलत मिस्त्री के हाथ में पड़ गई थी, जो कि उसने कलाकारी की है, इस तरीके से की है। टोटल सेंसर वगैरह हर चीज को गड़बड़ करके रख दिया था। इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर की सेटिंग करने वाले हैं एवं सेंसर सेटिंग करने वाले हैं और मोटर का कंडेंसर चेंज करने वाले हैं। इस चक्की में मेन समस्या ये आ रही थी, कंडेंसर इसका जल गया था और आटा अंदर ही अंदर पूरे में उड़ रहा था। जहाँ से निकलता है टंकी में, वहाँ पे नहीं निकल रहा था। अब देख सकते हैं वीडियो में चक्की का हाल कैसा है। यह इस चक्की की सिंक्रोनस मोटर है, जो कि 8 RPM सिंगल फेस की है। अब बात करते हैं चक्की के बारे में इंफॉर्मेशन। यह चक्की चॉयल की तरफ से आने वाली है, जो कि अजमेर का बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि पार्ट्स वाली भी चक्की बनाती है, काफ़ी नामी कंपनी है। यह 1 HP टोकी मॉडल है, जो कि प्रीमियम कैटेगरी का संपूर्ण वाला मॉडल है, जो कि बोलकर बताता है। बिना देर करते हुए हमने पहले कटर खोला, जिसमें पहली समस्या थी इसमें पीसी गीली पीसी हुई थी, जिस वजह से इसमें आटा जम गया था बहुत ज़्यादा, जिस वजह से एयर वगैरह नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से पूरे में आटा फैलने लगा था। इस चक्की में सब जगह आटे आटा फैलने लगा था। आप लोग देख सकते हैं शाफ्ट के पास गीला आटा जमा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जो कि शाफ्ट को भी कभी कभी जाम कर देता है। तो इस तरीके से ये टोटल गलत है। कभी भी गीली या फिर सीढ़ी कोई भी चीज़ मॉइस्चर वाली ना जाए, ध्यान रखें। जैसे ही चैम्बर खोला तो पहली समस्या, दूसरी समस्या है ये देखो कंडेंसर फूला हुआ है, जो कि चेंज किया है 20 MFD का, ये अलग दिख रहा है, फूट गया है। पता नहीं ओवरलोड की वजह से फूटा है या फिर वोल्टेज की वजह से फूटा है। चक्की को खोलकर देखा तो लग रहा था काफ़ी साल पुरानी है, बाकी ये 1 साल कुछ महीने पुरानी ही चक्की है। यह इसका 4 इंची स्पीकर है। कोई फॉल्ट वगैरह रहता है तो यही बताता है। प्लीज उस चीज के लिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। देखो आपका कुछ भी नहीं जाता है, आपका लिटरली कुछ भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, सिर्फ आपका जो प्यार है, वो आपको जो प्यार वाला 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड वो चाहिए, और जल्दी से 1 सेकंड का टाइम लेके भाई सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। ऐसी मजेदार वीडियोस और बनाते रहेंगे। वीडियो पर बने रहें। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, मोटर निकालने की प्रोसेस देखी है। यह इस मोटर का 20 MFD का कंडेंसर है, जो कि फूट गया है। यह इस मोटर का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। 2880 RPM की मोटर है, 4.5 एम्पीयर पर काम करती है, जो कि 20 MFD का कंडेंसर है और इसकी कॉइल पैरेलल है। इसका काम S1 ड्यूटी है। पूरी चक्की को खोलने के बाद मोटर टेस्ट करते हुए पूरा चैम्बर वगैरह हर चीज़ खोलनी पड़ी थी, पूरी रिस्टोर भी की है, हर एक चीज खोली। यह कंट्रोलर मॉड्यूल, कंट्रोलर सेंसर वगैरह सब। आपके लिए मंगलमय हो। बाजरी, ज्वार, चावल इत्यादि के लिए नाम 1 इस्तेमाल करें। धन्यवाद। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें। धन्यवाद। मेन मोटर को टेस्ट करने के बाद फिर सिंक्रोनस मोटर के कनेक्शन करते हुए फिर उसके बाद टेस्टिंग भी की है। सिंक्रोनस मोटर टेस्ट करने का मतलब ये है, इसको पहले जो मिस्त्री ने बताया था कि सिंक्रोनस मोटर खराब हो गया है इसका। सिंक्रोनस मोटर सही था, उसके सेंसर प्रॉपर तरीके से नहीं लगे थे। इस तरीके से इसको सेट किया जाता है, जो कि पहले जिसने खोला था उसने सेंसर वगैरह
की डायरेक्शन ही चेंज कर दी थी। उसने पता नहीं क्या अच्छा था उसके मन में, उसने सेंसर ही अलग कर दी और बोल दिया मोटर ख़राब है। बाकी ग्राइंडिंग चैम्बर का कटर भी फिट कर लिया है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद टेस्टिंग करते हुए सलामती के लिए मुख्य दरवाजा बंद करें।